हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने विभिन्न प्रतिभागी परीक्षाओं की तिथि निर्धारित कर दी है, जिसका कोरोना के चलते छात्र संगठन विरोध कर रहे हैं। SFI ने आज निगम बिहार में राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया और कोरोना के चलते परीक्षाओं को स्थगित करने की मांग की। SFI ने राज्य सचिव अमित ठाकुर ने बताया कि आज कोरोना वायरस प्रदेश में निरंतर पांव पसार रहा है। प्रदेश में प्रतिदिन कोरोना के 100 से अधिक मामले आ रहे हैं, ऐसे में परीक्षा करवाना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में सरकार का परीक्षार्थियों को छूट देने का निर्णय सही नहीं है, जिससे मालूम होता है कि सरकार अभी भी इस बीमारी से निपटने के लिए गंभीर नहीं है। जानते हैं, इस विपरीत परिस्थिति के अंदर आज इस हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर रही है, उसकी वजह पूरा हिमाचल प्रदेश जानता है कि आज जिस तरीके से प्रतिदिन हम देख रहे हैं 100 से अधिक कोरोना के संक्रमित केस हिमाचल प्रदेश के अंदर आ रहे हैं, और ऐसे समय के अंदर अगर हिमाचल प्रदेश के अंदर ये प्रतियोगी परीक्षाएं होती है तो कहीं ना कहीं छात्रों के स्वास्थ्य के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ होगा। क्योंकि हम जानते हैं पिछले 2 दिन पहले हिमाचल प्रदेश की सरकार के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी की गई, जिसके तहत कहा गया कि जो छात्र क्वारंटाइन भी है उनको भी जो अनुमति दी गई है कि वो आने वाले 72 घंटों के अंदर अपने जहां पर वो क्वारंटाइन है वहां से एग्जामिनेशन सेंटर की तरफ रवाना हो सकते हैं। तो उससे साफ तौर पे ये जाहिर होता है कि हिमाचल प्रदेश की सरकार अभी भी सोई हुई है और वो इस परिस्थिति को नहीं समझ पा रही है। इस कोरोना संक्रमित जो आंकड़ा हिमाचल प्रदेश के अंदर लगातार बढ़ता जा रहा है उसके हमले को नहीं समझ पा रही है, इसलिए हम आज इस प्रदर्शन के माध्यम से HPPSC ऑफिस के बाहर अभी चेयरमैन से मिलेंगे और चेयरमैन साहब से ये गुजारिश करेंगे कि इन परीक्षाओं की डेट को जो एक्सटेंड किया जाना चाहिए। उज्ज्वल हिमाचल के लिए शिमला से ब्यूरो रिपोर्ट।